सो गाइज दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। सो गाइज यूट्यूब पर आपको बहुत सारे लाइट रूम ट्यूटोरियल मिलेंगे, लेकिन इससे ईजिएस्ट वे आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो इस तरह की एडिटिंग करना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, बहुत ही ईजी स्टेप्स को आपने फॉलो करना है एंड आप इस तरह की एडिटिंग कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स गेट इन टू द वीडियो। ऑलराइट, तो गाइज आपने सिंपली अपना फ़ोन को रोटेशन ऑन करके आपने उसको लाइटरूम को इस शेप में ले आना है ताकि आपको जो एडिटिंग का प्रीव्यू है वो अच्छे से मिल सके। तो अभी आप देख सकते हो मेरे राइट साइड पर सारा टूल बार आ रहा है और मिड में मेरा जो वर्किंग प्लेस है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला स्टेप है वो आपने जाना है नीचे यहाँ पर कलर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बड़ी बेसिक सी एडिटिंग करनी है। यहाँ पर आप देखो अभी मेरी पिक्चर में कुछ जो सैचुरेशन है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है, तो यहाँ पर जो मैं सबसे पहले इसमें जो वाइब्रेशन है वाइब्रेंस है वो ऐड करूँगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ अराउंड 45, ठीक है। और यहाँ पर जो टिंट है इसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। ये देखो, तो हमें चाहिए यहाँ पर ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की लुक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, तो उसको मैं अराउंड अबाउट 11 कर देता हूँ। नेक्स्ट हमने चलना है सैचुरेशन पर, तो इसको भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो गाइस अभी आएगा मेन पार्ट वीडियो का, जो कि आपकी पिक्चर की जो टोटल लुक है वो चेंज कर देगा। आपने यहाँ पर सिंपली जाना है ऊपर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर जो आपको रेनबो सा कलर नज़र आ रहा है जिसमें आपको सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। तो हमने जो हमारी पिक्चर को लुक देनी है वो है ब्लैक एंड ऑरेंज, ठीक है। तो अभी हमारी जो ग्रीनरी है इसको हम टर्न करेंगे ऑरेंज लुक में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चलता हूँ थर्ड कलर पर, जो कि गोल्डन सा कलर है। आप हमारी मेरी पिक्चर में भी देख सकते हो जो आपको कलर देखने को मिल रहा है, ठीक है। आपने इसकी ह्यू को बिल्कुल ले जाना है माइनस की साइड पर। देखो जस्ट ह्यू को चेंज करने पे ये कितना डिफरेंस आपको दिखा रहा है। इसके बाद सैचुरेशन है, यहाँ पर मैं थोड़ी सी सैचुरेशन ऐड कर लेता हूँ अराउंड, ठीक है ये होगी 30। यहाँ पर थोड़ी सी ल्यूमिनस को मैं डाउन कर देता हूँ। ये देखो जैसे मैं इसको डाउन करता हूँ तो इसके जो कलर्स हैं वो इन्हेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको अराउंड अबाउट 30 कर देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट हमें यहाँ पर चलना है फोर्थ कलर पे, जो कि है ग्रीन कलर। इसकी भी जो ह्यू है उसको हमने माइनस की साइड पे ले जाना है। तो अभी हमारी पिक्चर में जो काफ़ी ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की लुक नज़र आ रही है, ठीक है। अभी आप मेरी शर्ट का कलर देखो तो इसमें आपको जो ब्लू कलर है वो नज़र आ रहा है। तो हम चलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट कलर जो हमारा ब्लू है, ठीक है। इसकी हमने सिंपली सैचुरेशन को माइनस की साइड पर लेकर जाना है। तो देयर वी गो, आप देखो जो हमारी एक लुक नज़र आनी शुरू हो गई है। तो गाइज आप देख सकते हैं जस्ट इतने से स्टेप से हमारी जो पिक्चर के कलर्स एंड जो हमारा मेन इसमें हमने जो थीम दिया है हमारी ब्लैक एंड ऑरेंज का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुका है। अभी बारी आती है पिक्चर को इन्हेंस करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर पहले करता हूँ उसको डन, ठीक है। इसके बाद आपने चलना है यहाँ पर ऊपर लाइट्स पे एंड यहाँ पर गाइज आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद आप देखोगे हमारी पिक्चर कुछ और इन्हेंस हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ कंट्रास्ट, जिसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ इंक्रीज़ तो राउंड अबाउट 10, ठीक है। अभी मैं हाईलाइट्स को थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ। आप देखो हाईलाइट्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से हमारी जो लुक है वो क्रिएट नहीं हो पा रही, ठीक है। तो हाईलाइट्स को मैं थोड़ा सा माइनस साइड पे ले जाता हूँ -20 और 21, जहाँ पर आपको ठीक लगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर शेडो पे, तो शेडो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं जो कि हमारी पिक्चर में एक ब्राइट से लुक लेकर आएगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैक थोड़ा सा माइनस के साइड पर लेके जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है जो हमारी पिक्चर में ब्लैक पार्ट है वो थोड़ा सा ज़रा डार्क शेड में आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ माइनस की साइड पर -20, ठीक है। अभी तक आप देखो बिफोर एंड आफ्टर। चले यहाँ तक तो हमारी पिक्चर बहुत कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट हमारा एक दो स्टेप्स बाकी हैं जिसमें हमें चलना है यहाँ पर इफ़ेक्ट्स पे, ठीक है। इफ़ेक्ट्स पे हमें यहाँ पर जो चीज़ें ऐड करनी है, सबसे पहले टेक्सचर है, इसको मैं थोड़ा सा माइनस की साइड पर ले जाता हूँ। ये जो हमारी पिक्चर में सॉफ्टनेस लेकर आएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर क्लैरिटी पे, और क्लैरिटी को आपने थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। ये देखें जो HDR इफेक्ट है वो हमारा क्लैरिटी से ऐड होगा, तो मैं इसको अराउंड अबाउट 25 कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस जो हमारा सब्जेक्ट है वो फोकस पे रहे, ठीक है, और जो हमारा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मतलब एक विंटेज लुक में आ जाए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा विंटेज को ऐड करना है। जो विनियट इफेक्ट है उसको थोड़ा सा ऐड करेंगे अराउंड अबाउट -25, और आप इसको 30 तक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें तो आपने इसको थोड़ा सा ऐड करना है अराउंड 30 to 27, जहाँ पर आपको ये बेस्ट लगे। एंड गाइज अभी तक की हमारी एडिटिंग ऑलमोस्ट कम्प्लीट है, जस्ट हमें यहाँ पर एक और इफेक्ट ऐड करना है जो कि है डिटेल्स। डिटेल्स में जाकर आपने यहाँ पर शार्पनेस को इंक्रीज़ करना है
जिससे हमारी जो क्रिस्पी एंड शार्प लुक आएगी। आप देखते हो जो भी पिक्चर्स आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिलती हैं उनमें एक शार्प एंड क्रिस्पी लुक होती है, तो वो यहाँ से ऐड होगी। आपने शार्पनेस को इंक्रीज कर लेना, यहाँ पर आप अराउंड 70 ले जाओ, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करेंगे नॉइज़ रिडक्शन, ये पिक्चर में आपके एक सॉफ्ट एंड क्रिस्पी लुक लेकर आएगा। ऑलराइट, सो गाइस हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। यहाँ पर एक लास्ट चीज़ बाकी है, आप अगर मैं जूम करूँ तो ये जो मेरा नेक वाला पार्ट है यहाँ पर शेडो की वजह से वो थोड़ा सा डार्क शेड में नज़र आ रहा है, थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा है, तो इसको हम लास्ट पर इन्हेंस कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं एंड बाकी हमारी एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ वंस अगेन ऊपर, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हीलिंग टूल, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैं इसको करता हूँ डन, अभी आप देखो यहाँ पर क्लीन हो चुका है, ठीक है। और लास्ट पर आपने जाना है ऊपर सिलेक्टिव टूल में, यहाँ पर आपने प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपने ब्रश चूज करना है एंड आपने जेंटली इसको ब्रश करना है आपके उस पार्ट पर जिसको आप इन्हेंस करना चाह रहे हो, जिसको आप ब्राइट करना चाह रहे हो, ठीक है। आप इसको पूरे फेस पे भी कर सकते हो, अगर आपका फेस का पार्ट भी डार्क है तो आप इसको पूरे फेस पे भी कर सकते हो, लेकिन जो मेरे फेस की स्किन है वो बेहतरीन नज़र आ रही है, उसमें कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बैक ले जाता हूँ और जो मेरा नेक वाला पार्ट है उसको हम करते हैं ब्राइट। तो वंस अगेन राइट साइड पर आपको देखने को मिलते हैं ऑप्शन, यहाँ पर मैं चलता हूँ लाइट्स पर। तो लाइट्स पर गाइज आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, आपने जो यहाँ पर एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो देखो ठीक है जितना आपको लगे रियलिस्टिक आपकी पिक्चर के हिसाब से। तो मैं इसको अराउंड 0.1.00 पर ले जाता हूँ, ठीक है। इसके बाद जाना है हमें यहाँ पर इफेक्ट्स में और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टेक्स्चर, तो मैं इसको माइनस के साइड पर लेकर जाऊँगा तो ये हमारी पिक्चर को स्मूथ कर देगा। तो आप देख सकते हो मैं इसको -40 के राउंड ले चलता हूँ, 45-58। तो ये देखो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डन। ऑलराइट, सो गाइस हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज कीजिएगा वीडियो को लाइक एंड इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।